सो हे व्हाट्सअप व्यूवर्स, तो कैसे आप सब। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए अमेजिंग वीडियो के अंदर आपका सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे आपने पोको X2 डिवाइस के अंदर जो है यहाँ पर गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकती हो। तो अभी मुझे जो फिलहाल मिला है वो है गूगल कैमरा 6.1 वर्जन, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली स्टेबल है, कोई भी रूट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो आगे वीडियो में बताऊँगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं गूगल कैमरा 6.2 वर्जन के बारे में, जिसके अंदर आपको पोर्ट्रेट, नाइट मोड, वीडियो, टाइम लैप्स, स्लो मोशन और जो है नॉर्मल फोटो मोड भी आपको देखने को मिलता है। कोई यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का अलग सा लेंस नहीं है, लेकिन जब भी मुझे गूगल कैमरा का 7.0 वर्जन मिलता है तो मैं डेडिकेटेडली इसका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 लाइक्स। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस एम को कंप्लीट करके जो है मुझे अप्रिशिएट जरूर से कर दीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कैमरा मोड में आपको एक नॉर्मल फोटो मोड आपको मिलता है, पोर्ट्रेट, पैनोरमा, नाइट साइट आपको मिल जाता है, जो आपको मोर के ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने मिलता है। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर आउटपुट मिलता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप फ्रंट फेसिंग कैमरे से आप सेल्फी ले लें, जो कि नॉर्मल 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ड्यूअल सेल्फी पंचोल सेल्फी है, वो सफिशिएंट है आपको यहाँ पर अच्छी खासी इमेज देने के लिए। मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करता हूँ सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरा फोटो के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है एक्चुअल फोटो जो होती है वो होती है ना कि 64 मेगापिक्सल की। बस गूगल कैमरा यहाँ पर जो कि इसको कंप्रेस करके जो है 16 मेगापिक्सल से यहाँ पर फोटोज़ लेता है, कोई अलग से यहाँ पर कोई यहाँ पर 64 मेगापिक्सल से फोटोज़ नहीं लेता है, जो कि मैं आपको आने वाले सेटिंग्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर आप सेटिंग्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको नाइट मोड भी मिलता है, जो कि आप आपको मोर में आपको मिलेगा, जो कि आप फ्रंट में और बैक में दोनों में ही यूज़ कर सकते हो। HDR 10 प्लस एनहांस का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप जरूर से यूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ सेटिंग्स है जो कि आप ट्वीट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 16 मेगापिक्सल के शूटर से ही है आपको फोटो शूट करके देगा, कोई आगे के पर मेगापिक्सल अवेलेबल नहीं है। कुछ कस्टमाइजेशन जो कि ट्वीक है, जो कि आप कर सकते हो, जैसे खत्म करते हो तो आपको एक बार रिबूट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद आप इस गूगल कैमरे को स्टेबली यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि आप इसको डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों, सिंपल सा मेथड है, एज यूजुअल जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, आपको मुझे इंस्टाग्राम पर एक नॉर्मल सा DM करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पोको X2 का गूगल कैमरा डाउनलोड लिंक दीजिए। तो मैं डायरेक्टली विदाउट एनी ऐड आपको डायरेक्टली गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जिसका यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन होगा, जो कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी एड्स वगैरह नहीं होंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली गूगल ड्राइव का यहाँ पर आपको इसका लिंक दे दूंगा। बस आपको मेरे इंस्टाग्राम पर डाइवर्ट करने का एक ही मकसद है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक अपडेट्स और फोटोग्राफी करता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस वहाँ पर भी आकर मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे। और मेरे आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डिवाइसेज के लिए गूगल कैमरे के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, और ऑलरेडी अनबॉक्सिंग जो है चैनल पर लाइव हो चुकी है, तो चैनल पर चेकआउट करके जो है वीडियो को भी देख सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस एम को कंप्लीट कर लीजिए 15 लाइक्स का। मैं मिलता हूँ एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में इसी चैनल पर। तो मिलता हूँ एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज की स्माइलिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।